जी न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को पढ़ना का नमस्कार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बुलंदशहर में 21 दिन लॉकडाउन की घोषणा के बाद एटीएम, मेडिकल स्टोर और जनरल किराना स्टोर्स पर लगा लोगों का जमावड़ा। पंजाब नेशनल बैंक समेत तमाम बैंकों के एटीएम के बाहर लगी उपभोक्ताओं की कतारें। जनरल किराना स्टोर्स के बाहर भी ग्राहकों की भीड़। जरूरी सामान खरीदने पहुंच रहे दुकानों पर लोग। पीएम मोदी के संबोधन के बाद बुलंदशहर में बाजार में बड़ी भीड़। आज दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल के लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कोरोना वायरस को लेकर बुलंदशहर की सड़कों को किया जा रहा है सैनिटाइज। बुलंदशहर के सभी मुख्य मार्ग और सार्वजनिक स्थानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। नगर पालिका के कर्मचारी शहर की सड़कों को कर रहे हैं सैनिटाइज। घर से बाहर निकले लोगों को भी पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारी घरों में वापस कर रहे हैं। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर किया जा रहा है वापस। साइड में देना।